हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। शाम का समय है और आज गंगा दशहरा का पावन पर्व है दोस्तों। तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसी चटपटी चाट की रेसिपी दोस्तों, जो आलू से बनती है। लेकिन कुछ कोई इसको देख के ये नहीं कह सकता कि ये आलू होगी दोस्तों। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। तो ये चटपटी क्रिस्पी करारी चाट है दोस्तों। तो चलिए आप बनाइए और इसका लुत्फ उठाइए क्रिस्पी चाट का। और बारिश हो रही है बाहर हमारे यहाँ और हम इसका आनंद उठाने जा रहे हैं। तो आप रेसिपी देखिए ना, क्या क्या सामग्री चाहिए, जल्दी से बनाइए और झटपट बनने वाली दोस्तों ये चाट है। आप चाट खाइए और मुझे जरूर याद कीजिए दोस्तों। बाय बाय दोस्तों। हेलो दोस्तों, चलिए हमारे आलू क्रिस्पी चाट के लिए देखिए, ये आलू हमने लिए हैं जो 1/2 कर रखा है। और हमारा जूनियर हर्षित जो है ये आलू छील रहे हैं। तो आलू छीलिए भाई साहब, जल्दी जल्दी छीलिए ताकि हम चाट बनाए। चेहरा तो दिखा दीजिए। तो ये आलू छील रहे हैं, मस्ती मजाक में कुछ कुछ बनाते हैं दोस्तों बच्चों के लिए। ये रोस्टेड तिल के दाने हैं, धनिया पुदीना है, लाल हरी मिर्च है, धनिया है 2 चम्मच, 1 चम्मच जीरा यूज करेंगे, 1 चम्मच हम सौंफ यूज करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम देखिए दोस्तों, हमने यहाँ तवा ले लिया है और तवा को हम ड्राई रोस्ट कर रहे हैं, ड्राई गर्मी गर्म करेंगे। और ये देखिए, इसमें ये 2 चम्मच जो है छोटे चम्मच हमने ये धनिया के बीज लिए हैं, इसको थोड़ा सा हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। चाट के 3 दोस्त हैं दोस्तों और क्रिस्पी करारे चाट में तो खुशबू का मजा होता है। उसके लिए 2 चम्मच आप धनिया लीजिए, 1 चम्मच जीरा ले लीजिए और 1 चम्मच के आसपास सौंफ ले लीजिए। इसको हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे दोस्तों, धीरे धीरे रोस्ट कीजिए। आप चाहें इसमें तो सूखी लाल मिर्च ऐड कर लीजिए, लेकिन मैं इसमें लाल मिर्च सूखी ऐड नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी रोस्टेड रेड चिल्ली पाउडर है जो बिल्कुल कोर्सली कर रखा है। तो चलिए दोस्तों, जब चाट बनी रहा है तो अलग से क्या डालना, इसी में मिर्ची भी डाल देते हैं आपके लिए। ये देखिए दोस्तों, ये 2 सूखी लाल मिर्च डाल ही देते हैं। ये तो आप कहेंगे कि मैंने इतनी अच्छी चाट बनाई और कुछ अलग से डाला होगा। नहीं दोस्तों, ये देखिए क्या पट पट करके धनिया उड़ रहा है। तो मिर्ची जो है इसमें आप कमी डालें। ये देखिए हमारा तवा गर्म हो गया है, ये नॉन स्टिक तवा लिया है हमने। आप चाहें तो लोहे का तवा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें आप ड्राई रोस्ट करें। और इसको बिल्कुल हल्का ब्राउन करना है दोस्तों, बिल्कुल जलाना नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ इसमें डंडी आ गई, इस डंडी को हटा लेते हैं। हंसते खेलते बनाइए दोस्तों। और ये एक सरप्राइज है, आज गंगा दशहरा है, एक त्यौहार है जिस दिन आम पूड़ी खाया जाता है। घर के सभी मेम्बर्स अभी दोपहर में खाना खिला के आराम कर रहे हैं और मैं और मेरा जूनियर बेटा हर्षिल, ये दोनों एक सरप्राइज प्लान किया है हमने, क्योंकि आज फादर्स डे है। तो हर्षिल ने मेरे को चाट बना के खिलाया, आपने मेरी वीडियो देखी होगी। तो मैं भी अपनी फैमिली के लिए एक सरप्राइज प्लान कर रखा हूँ। इसको निकाल के और दरदरा कूटेंगे, पीसेंगे नहीं मिक्सी में, इसको इमाम दस्ते में कूटेंगे। देखिए दोस्तों, हमारा इमाम दस्ता रेडी है तो हम इसमें ट्रांसफर कर लेते हैं धीरे धीरे। ये दोस्तों, आलू हमारे रेडी हो गए हैं। तो आलू को हम कट कर लेते हैं, साइड का पार्ट एज इट इज रहने दीजिए और ये पार्ट आप देख सकते हैं मैं थोड़ा स्लांटिंग ट्रायंगल टाइप का कट कर रहा हूँ दोस्तों। ये कट आप ध्यान रखिए, ये देखिए ऐसे ही हम सारे काट लेंगे। और इसके बाद इसके ऊपर हम अरारोट पाउडर स्प्रिंकल करेंगे दोस्तों, ताकि थोड़ा क्रिस्प हो जाए। आप चाहें तो इसमें येलो फूड कलर भी डाल सकते हैं, रेड फूड कलर डाल सकते हैं, जो आपको कलर अच्छा लगे वो आप डाल सकते हैं। मेरे पास भी देखता हूँ मैं कौन सा कलर है, मेरे ख्याल से रेड कलर भी है और केसर कलर भी है, तो हम उसका इस्तेमाल कर लेंगे दोस्तों, थोड़ा कलरफुल बनाएंगे। चलिए दोस्तों, हमारे मसाले को हम क्रश कर लेते हैं। देखिए, और आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने यहाँ पे ज़्यादा बारीक नहीं किया है। बिल्कुल दरदरा रखा है, ऐसा ही आपको भी रखना है दोस्तों। ये देखिए,
बिल्कुल यही कंसिस्टेंसी चाहिए ताकि आप मुंह में खाए तो आपको एक बाइट मिले। इसको हम ढक के रख देते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, हम इसमें अरारोट पाउडर मिक्स कर रहे हैं ताकि ये बिल्कुल क्रिस्पी फ्राई। देखिए दोस्तों, हमने अपना फूड कलर भी गोल रखा है, ये पाउडर फूल कर लिया हमने, इसको कहीं कहीं स्प्रेड कर देते हैं और इजीली हाथों का इस्तेमाल करके मिक्स कर लेते हैं दोस्तों। अच्छी तरह से आप टॉस भी कर सकते हैं, टॉस करेंगे तो भी ये इजीली कोट हो जाएगा। ये मिक्स कर लेते हैं, ये हमारे कोट हो गए हैं। अब हल्का सेलो फ्राई करेंगे, तवे पे हम ऑयल डाल देते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, हमने अपने तवे के ऊपर ऑयल डाल दिया है, इसी नाप से हम 2 चम्मच ऑयल डाल रहे हैं। ये नॉन स्टिक तवा है इसलिए ज़्यादा इसको ऑयल की ज़रूरत नहीं है। देखिए दोस्तों, तवा हमारा गर्म हो गया है। अब एक एक करके हमारे आलू जो है इसमें बीच में हम छोड़ देंगे और इजिली आप एक साइड जो है ना कुक होने दीजिए, क्रिस्प होने दीजिएगा। थोड़ा तसल्ली रखना पड़ेगा इस प्रोसेस में, आप पूरे तवे पे फैला लीजिए। देखिए एक एक करके मैं सारे आलू साइड साइड से डालता जा रहा हूँ। लग रहे ना खूबसूरत, लेकिन दोस्तों यकीन मानिए ये इतने स्वादिष्ट हैं कि जब आप बनाएंगे और किसी को खिलाएंगे तो ये दोबारा आपसे ज़रूर मांगेंगे कि वही मुझे चाट वाली रेसिपी चाहिए। ये सारे चाटों को पीछे छोड़ देंगे दोस्तों। ये क्रिस्पी करारा आलू चाट है जी हाँ दोस्तों, इसको आप कह सकते क्रिस्पी करारा आलू चाट। ये देखिए दोस्तों, हमने अपने पूरे आलू को स्प्रेड कर दिया है। आप देख सकते हैं कि मैं तवा कैसे उठा उठा के और साइड्स कंप्लीट करा रहा हूँ। ये मैं 2 दिन लेट हो गया, आज का दिन सेलेक्ट किया। ये देखिए दोस्तों, 2 दिन के बाद मुझे ये माउंट आबू के जंगलों में से हम गए और ये पलाश का पत्ता है दोस्तों, हम आपके लिए लेके आए हैं, इसी में हम सर्व करेंगे। एक हरा पत्ता और एक सूखा पत्ता है, तो इसकी वजह से ये रेसिपी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम इसकी प्लेटिंग कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारे जो पोटैटोज वेजेज हैं वो बिल्कुल कितने क्रिस्पी हो गए हैं और मैं आपको ये दिखाऊं, आप देख सकते हैं आवाज़ हो रही है दोस्तों। और ऐसे नहीं, मैं आपको एक प्लेट में डाल के दिखाता हूँ। ये देखिए, देखा दोस्तों बिल्कुल ये आवाज़ हो रही है। तो इसको गर्म रखने के लिए मैंने तवे पे ही छोड़ दिया है और आप देख सकते हैं मैंने 2 चम्मच तेल डाला था और सारे ऑयल है ना यहाँ पे वापस आ गए, इकट्ठे हो गए। तो इसको तवे पे छोड़ दिया ताकि सारे जो ऑयल है सेपरेट होके बीच में इकट्ठे हो जाए। तो ऑयल का आप ध्यान रखें, ज़्यादा ऑयली फूड ना खाएं दोस्तों। थोड़ा सा वो टॉस कर देते हैं दोस्तों, तवे पे ही टॉस कर दीजिए ताकि हल्का जो ऑयल बचा हुआ है उसी के अंदर ये रोस्ट हो जाएगा। देखिए वाओ, क्या जबरदस्त खुशबू आ रही है दोस्तों। जब आप बनाएंगे तो मुझे ज़रूर याद करेंगे। तो चलिए इसकी हम ड्रेसिंग कर लेते हैं दोस्तों। इसको हम अभी एक बाउल में निकाल लेते हैं। चलिए दोस्तों, हम अपने बाउल में सारे, आप देख सकते हैं क्या आवाज़ आ रही है दोस्तों। है ना बिल्कुल क्रिस्पी करारी। मैं थोड़ा सा आपको दोस्तों सेक करके बजा के दिखाता हूँ। ये देखिए आवाज़ आ रही है ना। तो चलिए इसमें बाकी सारे चाट के मिक्सर मिक्स कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा क्रिस्पी करारी आलू तो रेडी है। इसके साथ हम इसमें हरी और लाल मिर्च डाल रहे हैं। आम का सीज़न है तो ये रॉ मैंगोज है, कच्चे आम हैं, इसके भी छोटे छोटे पीसेस डाल रखे हैं हमने। तो कहीं कहीं पर आएगी तो थोड़ा टेंगीनेस अच्छा आएगा। ये देखिए धनिया और पुदीना की पत्तियां हैं, ये थोड़ा मिक्स कर लेते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, जब आप सर्व करें तो ये देखिए हमारे पास इमली की चटनी है, ये इमली की चटनी हम डाल रहे हैं इसके अंदर। ज़्यादा ना डालें, थोड़ा सा ही डालें ताकि कहीं कहीं पे वो मीठा खट्टा टेस्ट आए। थोड़ा सा लाल मिर्च, ये कम तीखी वाली लाल मिर्च है दोस्तों। ब्लैक सॉल्ट, काला नमक, हर चाट की जान, और ऑफ कोर्स चाट मसाला। और इसके साथ जो हमने मसाले अपने पीस रखे थे दोस्तों,
कोर्सली जो पाउंड कर रखा था ये देखिए वो मैं डाल रहा हूँ इसमें, है ना, बिल्कुल मसालों से लबरेज क्रिप्सी करारी चाट। इसके साथ दोस्तों हम इसमें थोड़े से पीनट्स डाल रहे हैं, ये सॉल्टी पीनट्स हैं, आप चाहिए मसाला पीनट्स भी डाल सकते हैं। ये देखिए अच्छे से मिक्स कर लीजिए, एक स्टर दीजिए। वाओ क्या खूबसूरत कलर आया दोस्तों, और सारे मसाले चटनी के साथ मिक्स होके काफ़ी एक अच्छा कलर दे रहे हैं दोस्तों। तो ये देखिए मैं इसमें ये तिल के दाने भी डाल देता हूँ, आज ये शाम का स्पेशल चाट मसाला डे हो गया दोस्तों हमारा, आज त्यौहार था, गंगा दशहरा का पावन पर्व था, तो सबके व्रत थे, शाम को ये क्रिप्सी करारी चाट खाएंगे, उसके बाद पूड़ी और आम और कुछ सब्जियां भी बनेंगी, खीर बन चुकी है, सब कुछ रेडी है। तो ये देखिए तो चलिए इसकी झटपट से प्लेटिंग करते हैं दोस्तों, और प्लेटिंग भी इसकी बिल्कुल लॉरी स्टाइल करेंगे, जो बिल्कुल देसी पना होता है पत्ते के अंदर। आपको दोस्तों अगर पत्ते नहीं मिले तो आप प्लेट में कटोरी में जिस भी बाउल में आप सर्व करना चाहें उसमें कर सकते हैं। मेरे पास ये पत्ते मिले थे क्योंकि मैं कल ढूंढ के लाया हूँ स्पेशली अपने व्यूअर्स के लिए, क्योंकि जो आनंद पत्ते के ऊपर है वो किसी भी प्लेट में या बाउल में या किसी भी चीज़ में नहीं है दोस्तों। दोने में तो सभी खाते हैं लेकिन पत्ता इको फ्रेंडली है। तो ये देखिए हमने अपने चाट को या क्रिप्सी करारी चाट को हमने इसके ऊपर अरेंज कर लिया है, थोड़ा सा तिल के दाने और स्प्रिंकल कर देते हैं। ये देखिए देखिए दोस्तों हम लाल मिर्च से गार्निश कर देते हैं और थोड़े से सेव के साथ हम इसकी प्रेजेंटेशन कर देते हैं, है ना खूबसूरत। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी दोस्तों आप बताइएगा ज़रूर, और ये रेसिपी इतनी स्पेशल है कि थोड़ा लेमन भी स्क्वीज कर देते हैं, ये देखिए थोड़ा और चटपटा बना देते हैं। तो जिस किसी को भी ये चाट खाना है वो मेरे घर पे आ सकता है, यू आर मोस्ट वेलकम, और आपको ये चाट मेरे घर पे जरूर खाने को मिलेगी, इसकी गारंटी मेरी। और मेरा घर कहाँ है आप लोकेशन देख के ऐड कर सकते हैं और सीधे मेरे घर तक आ सकते हैं। तो आपको दोस्तों ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और दोस्तों कम में ज़्यादा बनाने की कोशिश करते हैं हम और आपके लिए ही बनाते हैं, तो प्लीज़ 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 आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया हो, और हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ फैमिलीज के साथ, और बेल आइकन प्रेस करना दोस्तों बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों अब हम इस चाट को फिनिश करते हैं, और आप इसको बनाइए और अपने घर में एंजॉय कीजिए। बाय बाय दोस्तों।